गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनमें से एक अभियुक्त जो कि हाल फिलहाल में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बिसर क्षेत्र में रह रहा था, इनके द्वारा एक क्विंटल यानी कि 100 किलो अवैध रूप से गांजे के नशीले पदार्थ की स्मगलिंग में जो पकड़े गए हैं, और जो पूछताछ में बताया है कि ये बिहार से इसको लेकर के आ रहे थे, मारुति की SX4 गाड़ी में इस माल को लाया जा रहा था और इनके द्वारा NCR क्षेत्र में इसकी जो बिक्री थी वो की जानी थी, और ज़्यादातर जो इनके जो टारगेट कर रहे थे, जिनको बिक्री कर रहे थे, वो ज़्यादातर यंग एज के लड़के थे जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ में। इनकी बिक्री इसके द्वारा कई अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही थी, जैसा मैंने बताया कि NCR के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जिसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर हैं क्योंकि कई शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आसपास भी इनकी बिक्री की जा रही थी। फिलहाल हमारा अभियान इस तरह का चल रहा है ताकि जनपद गौतम बुद्ध नगर में माल बरामद कर कितनी कीमत का, इसमें इनसे करीबन 20 लाख की कीमत का 100 किलो गांजा जो बरामद किया गया है, नाजायज असला इनसे बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं और एक गाड़ी SX4 गाड़ी इनसे बरामद की गई। ज़्यादातर टारगेट इनका यंग एज के लड़के थे जो कि कॉलेजेस में पढ़ने वाले, जिनको ये बिक्री करते थे। माना जाए कि बड़े पैमाने पे गौतम बुद्ध नगर में तस्करी हो रही थी। ये पूरे NCR क्षेत्र में इनके द्वारा जो सप्लाई की बात सामने आई है, उसमें जो खरीदार हैं, जो बिक्री करने वाले हैं, जो आगे इस माल को लेकर के आगे बिक्री कर रहे हैं जगह जगह पर, उनके नाम भी प्रकाश में आए हैं और उनके लिए भी टीमें हमारी दबिश दे रही हैं। जो बात की जाए इस गैंग के बारे में, ये इसमें जो जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो बिट्टू नाम का, गुड्डू नाम के दो व्यक्ति हैं जो इस माल को पूरा ले करके उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल ज़्यादातर ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बिहार के रहने वाले हैं मूल रूप से। फिलहाल उनमें से एक व्यक्ति यहाँ बिस्तक में रह रहा था और ज़्यादातर लोग ये झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके द्वारा इस तरह के कार्य को किया जा रहा है। कच्चा माल कहाँ से उठाते थे? ये बिहार से आया है माल अभी तो, जो जानकारी मिली है, और बिहार से बाय रोड लेकर के आए। नक्सली तो कुछ नहीं है? नहीं, फिलहाल ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर। ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा आगे इस नशीले पदार्थों को, माल को रिसीव करने के बाद में आगे इसको बेचा जाना था अलग अलग जगह पे। इसमें दो नाम जो सामने आए हैं गुड्डू और बिट्टू के, जिनके द्वारा इस खेप को रिसीव किया जा रहा था और आगे इसको सप्लाई किया जाना था। और भी कई नाम हैं जो फिलहाल संदेह के दायरे में हैं, जो इस तरह के जो नशीले पदार्थों की तस्करी में इनके शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसके ऊपर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कर लो ना गाड़ी को, मतलब भैया।